हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेयर्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड वेज नूडल्स, और आज हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपकी नूडल्स स्टिकी बनती हैं, फीकी फीकी बनती हैं, मज़ा नहीं आता जब हम घर में बनाते हैं, जो मज़ा बाहर की नूडल्स में है। इसलिए इस मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल वेज नूडल। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आप लीजिए पानी, जिसमें डालिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे हमने खूब अच्छे से गर्म करना है, एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाना है, तब जाके हम इसमें अपनी नूडल्स डालेंगे। ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका स्टार्च बिल्कुल नहीं निकलेगा, नूडल्स स्टिकी हो जाएंगी, अलग अलग बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो नूडल्स हमें ड्राई मिलती हैं वो एज इट इज़ बिना ब्रेक करे आप इसे उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। अभी आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है क्योंकि जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, बस इस तरह से इसे प्रेस कीजिए ताकि ये पूरे अच्छे से पानी में सोख हो जाए, डिप हो जाए। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने फुल रखा हुआ है ताकि पानी का टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप एक दो मिनट बॉइलिंग के बाद ये नूडल्स एकदम से अलग अलग हो गए हैं। और इन्हें हमें बिल्कुल 100% कुक नहीं करना है, इसे 80% कुक करेंगे। देखिए, आप 5 मिनट के बाद आप इस तरह से कट करके देखोगे ना तो थोड़े प्रेशर से कट होती हैं और इसके अंदर एक वाइट पार्ट आपको दिखेगा। जब भी आप एक नूडल्स को क्रैक करके देखोगे, बस इसी स्टेज तक हमने कुक करना है। वो देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, प्रेशर लेके क्रैक हुई हैं और आपको दिखेगा बीच में एक हल्का सा पार्ट शाइन कर रहा है। बस अब उस पानी में से मैंने नूडल्स को अलग कर दिया है और रनिंग वाटर में, खुले पानी में आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक छन्नी पर रखा है, उस पर डाला है थोड़ा कुकिंग ऑयल और इसे ऊपर नीचे हमें अच्छे से सॉफ्टली मिक्स करना है ताकि नूडल्स आपस में स्टिकी ना हो। अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। अब एक पैन में लीजिए आप कुकिंग ऑयल। ये थोड़े खुले बर्तन में बनती है और ये वैसे तो ऐसी कुकिंग जो होती है वो हाई फ्लेम पे होती है और बहुत खुला बर्तन होता है जो थोड़ा हल्का होता है। हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, जो हैं बर्तन हम वो यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गार्लिक पाउडर, मेरे पास गार्लिक पाउडर होता है, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आप फ्रेश गार्लिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है उसका नूडल्स का। अब ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं, जिसमें है अनियन है, कैप्सिकम है, ग्रीन अनियन है, कैबेज है। इन्हें हम फुल फ्लेम पर ही सौते करेंगे, हल्का हल्का कुक करना है, बिल्कुल भी हमें इसे रोस्ट या सॉगी नहीं करना है क्योंकि फ्लेम हमारी फुल है तो इसे हमने कंटिन्यूसली हमें स्टर भी करते जाना है। नूडल्स में ना ये क्रंचीनेस का ही बड़ा मज़ा आता है जब हमारी वेजिटेबल्स क्रंची होती हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो प्रॉपर वेजिटेबल्स मुझे नहीं मिली है। जैसे एक सबसे बढ़िया इसमें कैरेट बहुत अच्छी लगती है, आपको कैरेट मिले आप वो भी इसे लंबी स्ट्रिंग्स में काटिए, क्योंकि नूडल्स लंबी लंबे रेशे होते हैं ना, उसके स्ट्रेंथ उसी लिए हम डालते हैं जो वेजिटेबल्स को भी लंबी शेप में कट करते हैं। अब ये नूडल्स हैं, ये ठंडी हो चुकी हैं, हमें गरम गरम नूडल्स को बिल्कुल नहीं हमने कुक करना है, अदरवाइज बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप इस तरह से इन्हें जब टॉस करेंगे तो वो टूट जाएंगी। इसलिए बॉईल करने के बाद आप नूडल्स को थोड़ा फैला दीजिए अच्छे से। अब सॉसेज हम डालते हैं, यहाँ मैंने ली है रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये सॉसेज आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, थोड़ी सी सोया सॉस, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, अदरवाइज नूडल्स का रंग एकदम से डार्क हो जाता है, विनेगर, सोया सॉस मैंने बहुत कम ही यूज करती हूँ, काली मिर्च, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये है अजीनोमोटो, मार्केट में यूज करा जाता है। अगर आप घर में स्किप करना चाहते हैं, नहीं है घर में, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेस्ट मेकर होता है, इसे बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है जब भी हम कोई सी चाइनीज डिश बनाते हैं ना उसमें। अब बहुत जेंटली हमें इसे टॉस करना है ताकि हमारी सब्जियां, सॉस, हमारी सीजनिंग इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बड़ी मज़ेदार वेज नूडल्स बने।
देखिए हो गई इतने हैं तैयार हमारी फेमस स्ट्रीट स्टाइल वेज नूडल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी मन से ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। बस आप जो जो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए और देखिए आपकी नूडल्स एकदम परफेक्ट बनेंगी। आपको मार्केट से जाने की या मार्केट से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गार्निश कर रही हूँ मैं हरे प्याज से, स्प्रिंग अनियंस हैं, मिले तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं ये एक टेस्ट मेकर का काम करती हैं, टेस्ट इन्हांस कर देती हैं हमारी डिश का। इसीलिए इन्हें आप हो सके तो ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। बस हल्के हाथों से इसे टॉस कीजिए, मिक्स कीजिए। फोक की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं अगर आपको स्पैचुला से मिक्स करना मुश्किल हो। देखिए आपको मैं पास से दिखा रही हूँ एक एक नूडल्स का, आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है और कलर देखिए कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोया सॉस बहुत कम ली है। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते तो कलर और भी मज़ेदार आता है, बिल्कुल फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है जैसे हम फाइव स्टार होटल्स में खाते हैं ना, सेम वैसे बनेगी। लीजिए हो गई तैयार हमारी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल वेज नूडल्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस दिव्यास किचन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।